बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल के ऊपर चेक डिसऑनर का मामला रांची के कोर्ट में चल रहा है। फिजिकली वो अपीयर हुई है। इस वक्त जो है कंप्लेनेंट के काउंसिल स्मिता पाठक हमारे साथ हैं, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। आज क्या हुआ, चेक जो उन्होंने दिया था वो डिसऑनर हुआ तो क्या उन्होंने ही साइन किया था, कैसे आपके जो कंप्लेनेंट है? बिल्कुल उन्हीं का ही चेक है, उनका ही चेक है। हमने उनका ही अमीषा पटेल जी का ही चेक डिसऑनर करवाया था, जिसके अगेंस्ट में केस चल रहा है 2018 से। उनका आज अपीयरेंस पे था और अपीयरेंस के बाद सब्सटेंस पे केस था, तो केस सब्सटेंस हो चुका है, उन्होंने नॉट गिल्टी प्लीड किया है। इसके बाद केस अगर मीडिएशन में जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं वो मीडिएशन में आती है, अगर मीडिएशन में नहीं प्रोसीड करेंगी तो फिर केस जो नॉर्मल प्रोसीडिंग्स होता है वो केस का नॉर्मल प्रोसीडिंग चलेगा, जिसमें अपने अपने पार्टीज अपना। किस किस धाराओं के तहत आप लोगों ने केस लॉन्च करवाया था जो अभी 2013 में लवली एंटरटेनमेंट ने फ्रेंडली लोन एक दिया था। लवली एंटरटेनमेंट ने नहीं दिया था, अजय जो आपके क्लाइंट हैं उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए उनको लैंड किया था, लैंड किया था सर, फिल्म बनाने के बेसिस में लैंड किया था, फ्रेंडली लोन था वो, जो फिल्म बनना था देसी मैजिक उसके लिए। हाँ, जी, फिल्म बना था। हाँ, तो फिर उसके बाद जो है वो फिल्म रिलीज ही नहीं हुई। क्या वो रिलीज नहीं, क्या पता है, वो उनका अपना कंसर्न है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। केस ये फिर कब आप लोगों ने? केस हम लोगों ने बस चेक के लिए किया था, जो उन्होंने प्रॉमिस किया टर्म शीट पे, उन्होंने जो टर्म्स एंड कंडीशन पे पैसे लिया था वो 2018 में लॉन्च हुआ था। जी जी, और उसके बाद ये अपीयर हुए इस बार अप्रैल में 2023 में 5 इयर्स के बाद वो अपीयर हुए। अब जो है आप लोगों की तरफ से ये भी कहा जा रहा था कि आपके मुवक्किल आए नहीं थे, फर्स्ट हाफ में केस रखा गया, ऐसा सर एक्चुअली ये तो 11:25-11:30 तो कोर्ट स्टार्ट होता है और ये कोर्ट स्टार्ट होते ही आ गई है, तो हमारे लिए था कि हम सेकंड हाफ में केस रखवा लें, सेकंड हाफ में आराम से अपना। अच्छा, एक बार खाली जिनके कोर्ट में चल रहा था वो डीएन शुक्ला सर के कोर्ट में ये केस चल रहा है, जेएमएस 20। तो नॉट गिल्टी प्लीड किया है अमीषा पटेल ने, उनका साफ तौर से कहना है, यानी साफ है कि इस केस को आगे ले जाना चाहती है। हालांकि मामला ये है कि 2013 में कंप्लेनेंट अजय सिंह ने एक फ्रेंडली लोन अमीषा पटेल और उनके पार्टनर कुणाल ग्रूमर को के नाम दिया था 2.5 करोड़ का। एक मूवी रिलीज़ होनी थी देसी मैजिक, लेकिन वो मूवी जो है रिलीज़ ही नहीं हुई। तब जाकर जब अजय सिंह ने पैसे मांगे वापस तो उनको पैसा जो है मिला नहीं, और अल्टीमेटली उनको जो है काफ़ी मशक्क़त के बाद दो चेक दिया गया 2.5 करोड़ का, और वो चेक जो है डिसऑनर हो जाता है। उसके बाद फ्रॉड का केस किया जाता है अलग अलग आईपीसी धाराओं के तहत, 120 और अलग अलग धाराओं के तहत। उसके बाद 2018 में जो केस लॉन्च हुआ था उसमें अप्रैल में पहली बार अमीषा पटेल अपियर होती हैं, और उसके बाद बेल पर थी, हाईकोर्ट भी जाती है, हाईकोर्ट में उनका प्ली जो है नहीं माना जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, फिर लोअर कोर्ट मूव करती है, जैन डीएन शुक्ला के अदालत में यह मामला चल रहा था, और वहाँ पर जाकर जब वो आज अपीयर होती हैं फिजिकली, तो उनका कहना था कि वो नॉट गिल्टी है, कोई उनका इसमें गलती नहीं है, यानी वो खुद को डिफेंड करेंगी। आकाश के साथ सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।